वेलकम टू नेक्स्ट चैनल। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरह से हम बाइंडिंग डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं, और उसमें हमने कुछ कमांड्स भी देखी थी कि सीआरटी बीएनडी डीआईआर क्या कमांड होती है, कैसे हम उसके हेल्प से बाइंडिंग डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। उसमें एंट्रीज करने के लिए हमने ऐड बीएनडी डीआईआर ई कमांड देखा था, जिससे हम एंट्रीज ऐड कर सकते हैं। और हमने साथ में ये भी देखा था कि डीएसपी बीएनडी डीआईआर कमांड से कैसे हम उस एंट्रीज को डिस्प्ले करा सकते हैं जो जो उस बाइंडिंग डायरेक्टरी से अटैच है। तो वैसे ही आज हम एक और कमांड देखेंगे जिसकी हेल्प से हम ये ऑलमोस्ट सभी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कमांड का नेम है वर्क बाइंडिंग डायरेक्टरी। तो उसके लिए आपको लिखना है वर्क बी एन डी डी आई आर और F4 लेके हम इस पर कुछ ऑपरेशन करेंगे। और उससे पहले मैं आपको वो एक बार दिखा देता हूँ कि लास्ट सेशन में हमने कौन से बाइंडिंग डायरेक्टरी क्रिएट की थी, अभी हम उसको ही यूज़ करेंगे। तो उसको देखने के लिए आप कमांड रन करो DSP BND DIR BND DIR then F4, here you can put your name, share with BND। तो यहाँ पे ये बाइंडिंग डायरेक्टरी थी जो हमने लास्ट सेशन में क्रिएट की थी, और इसमें ये मॉड्यूल्स हैं जो हमने अटैच किए थे। अब हम इसी पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। तो अगर आप जैसे यहाँ पे देखोगे, अभी हमने 3 मॉड्यूल इसमें ऐड किए हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमारे को इसमें से एक मॉड्यूल को रिमूव करना है या कुछ न्यू एंट्री करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप कमांड रन करोगे वर्क BND DIR F4। उसके बाद में यहाँ पे आप अपनी बाइंडिंग डायरेक्टरी रखोगे, लाइब्रेरी का नेम, एंटर। तो यहाँ से आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो आप परफॉर्म कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन है क्रिएट। अगर आपको कोई नई बाइंडिंग डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, तो सीआरटी बीएनडी डीआर के जगह आप डायरेक्टली यहाँ पे इस कमांड की हेल्प से वन ऑप्शन लेके भी यहाँ क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको किसी बाइंडिंग डायरेक्टरी को डिलीट करना है, तो वो ऑप्शन 4 से डिलीट हो जाएगी। DSP BND DIR हमने जो कमांड देखी थी, उसके लिए आप ऑप्शन 5 दे सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पे देखना, तो मैं 5 लूँगा, तो ये मुझे सेम स्क्रीन दिखाएगा। वैसे ही हमारे पास एक ऑप्शन है 9 वर्क विद बाइंडिंग डायरेक्टरी एंट्रीज। ये हमारे लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग बाइंडिंग डायरेक्टरी है जिसमें आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है डिलीट और ऐड का, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन 9 ले सकते हो। फिर हमारे पास ऑप्शन 13 है। अगर जैसे मुझे कुछ टेस्ट डिस्क्रिप्शन देना है बाइंडिंग डायरेक्टरी को, तो मैं क्या करूँगा, ऑप्शन 13 लूँगा और यहाँ पर अपना टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, बाइंडिंग डायरेक्टरी। आप टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ से डायरेक्टली दे सकते हो। अभी हम देखते हैं कि मॉड्यूल्स को ऐड और रिमूव कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑप्शन 9 लोगे, एंटर करोगे। इस जगह पे आप, अगर मैं इसको मॉड 1 को सपोज मुझे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट 4 लूँगा, एंटर हिट करूँगा, ये मुझसे कन्फर्मेशन लेगा, मैं उस पर एंटर हिट करूँगा और ये मेरी एंट्री डिलीट हो गई यहाँ से, ठीक है। अगर मुझे वापस इसको ऐड करना है, किसी और को ऐड करना है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 1 मॉड 1 टाइप में हम डालेंगे स्टार मॉड्यूल, क्योंकि एक मॉड्यूल है जिसको हमने 15 से क्रिएट किया था। तो यहाँ पर लाइब्रेरी 1 पर एंटर, जैसे एंटर करूँगा तो ये एंट्री वापस से ऐड हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत यूज़फुल कमांड है। इसके हेल्प से आप बाइंडिंग डायरेक्टरी सभी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, क्रिएट का, डिलीट, डिस्प्ले, और साथ में ये भी देख सकते हैं कैसे हम उसका टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं ऑप्शन 13 की हेल्प से। तो अगर आप बाइंडिंग डायरेक्टरी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये कमांड बहुत यूज़फुल रहेगा। आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्स्ट।